गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट क्लास 12th। ठीक है बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की जो बुक है वो किस प्रकार की है और किस तरह की होगी। तो वो आप लोगों की बुक है जो यहाँ पर देख रहे हैं वो विद्या प्रकाशन की है, और इस प्रकार आप लोग देख लेंगे इंग्लिश डाइजेस्ट के नाम से आप लोगों की बुक होगी। आप लोगों को ये वाली बुक आपको लेनी है, और इस प्रकार ये जो आप लोग देख रहे हैं मैंने आप लोगों को बुक जो दिखा दी है किस तरह के आप लोगों का बुक का शुरू का पैटर्न होगा, ये आप लोग देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेगा कंटेंट। देखिए मैं आप लोगों को कंटेंट दिखा देता हूँ, और कंटेंट में आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार कितने चैप्टर किस में है, ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आप लोगों की फ्लेमिंग द टेक्स्ट बुक द प्रोज आप लोगों की दी गई है, तो इसमें टोटल मिला करके कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर आप लोगों के प्रोज में है। कितने हैं प्रोज में आपके, ये आप लोगों के 8 चैप्टर हैं प्रोज में है। ठीक है, कितने चैप्टर हैं आप लोगों के, 8 चैप्टर आप लोगों के प्रोज में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर। इसके बाद है आपका जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पोएट्री, तो इसमें आप लोगों के 6 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। और देखिएगा जो आपका सप्लीमेंट्री है जो विस्टा वाली है, विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर, और इसमें आप लोगों के 8 चैप्टर हैं। तो टोटल मिला करके इसमें आप लोगों को देखेंगे कि कितने कितने चैप्टर हैं, 8 आप लोगों का प्रोज में है, पोएट्री में 6 लेसन है, और 8 जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री रीडर में है। तो इस प्रकार ये आप लोगों का देखिए चैप्टर देख लीजिएंगे पहले कैसे द लास्ट लेसन, इसका जो न्यू सिलेबस है ये हमारा इंटर का, तो देख लेंगे कौन कौन से इसमें लेसन है। द लास्ट लेसन पहला है, द लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी ऑफ द स्टॉलन चाइल्डहुड, और डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इसके बाद है इंडिगो, द पोएट्स एंड पैनकेक्स, जो पैनकेक्स देखिए, द इंटरव्यूज, द गोइंग प्लेसेस। तो इस प्रकार ही आप लोगों के प्रोज के चैप्टर हैं। इसके बाद पोएट्री का है, देखिए माय मदर सेट 66 एंड सेकंड चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल द क्लासरूम इन अ स्लम, और थर्ड चैप्टर आपका कीपिंग क्वाइट ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इट्स फोर्थ चैप्टर ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इसके बाद देखिएगा रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड। इसके बाद 6th चैप्टर है हमारा ऑन जेन फेरीज ट्राइकर्स। तो इस प्रकार ये 6 लेसन आप लोगों के हैं। और उसके बाद आपका देखेगा सप्लीमेंट्री में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, द इसके बाद है आपका शूडू विजार्ड हिट मम्मी, उसकी मम्मी। उसके बाद है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बाद है इवांस द ट्राइज एंड ऑन लेवल, द मेमोराइज ऑफ चाइल्डहुड, ये आप लोगों के लेसन है। और इनके देखिएगा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो आप लोगों को लेसन यहाँ दिए गए हैं इनके जो राइटर्स हैं जो आप लोगों के इसके सामने दिए गए हैं, तो इनकी आप लोग क्या करें जो छुट्टी का दिन मतलब जब भी हो आप लोग जब साथ के साथ हो इनके राइटरों के नाम भी याद कर लें बड़े अच्छे से। देखिए मैं आपको इसे बताता हूँ आप लोगों का फर्स्ट टर्म में कितना आता है, सेकेंड टर्म में कितना आता है, इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म में कितना है और कैसे कैसे इसको रखा गया है। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर लेंगे 3 चैप्टर हम लेंगे इसमें फर्स्ट टर्म में, और 3 ही चैप्टर हम लेंगे सेकंड टर्म में, कितने सेकंड टर्म में, और इसके दो चैप्टर बचेंगे हमारे वो लेंगे हम लोग थर्ड टर्म में। इस प्रकार हम लोग इसको डिवाइडेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर लेंगे, 3 चैप्टर, कितने चैप्टर, 3 चैप्टर फर्स्ट टर्म में। इसके बाद में भी जो हम लेंगे ये भी 3 चैप्टर लेंगे, और इसके बाद में थर्ड टर्म में कितने लेंगे, 2 लेसन लेंगे। तो इस प्रकार हमने इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में इसको बांट लिया। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो 2 लेसन है हमारा पोएट्री में तो ये फर्स्ट टर्म में रहेंगे, 2 लेसन हमारा सेकेंड टर्म में रहेंगे, और 2 ही लेसन हमारा थर्ड टर्म में रहेंगे। तो इस प्रकार कुल मिला करके हमारे यहाँ पर 2 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए और 2 चैप्टर हो गए, तो टोटल मिलाकर के 6 चैप्टर हमारे पोएट्री में हो गए। तो इसलिए 2 चैप्टर पोएट्री में पढ़ाने हमें फर्स्ट टर्म में, और 4 यहाँ पर देख लेंगे 3 चैप्टर हमें इसमें प्रोज में पढ़ाने हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने प्रोज में किया है, ऐसे हमारा सप्लीमेंट्री में होना है। तो 3 चैप्टर हमारे
फर्स्ट टर्म में रहने हैं, तीन चैप्टर हमारे सेकंड टर्म में रहने हैं, और जो टू चैप्टर आप लोगों के बचे हैं वो आपका थर्ड टर्म में आने हैं। तो इस प्रकार आपके थ्री चैप्टर और टू चैप्टर आप लोगों के इस तरह से डिवाइडेशन हो गया। तो इस प्रकार देख लेंगे कि आप लोगों के ये फर्स्ट टर्म में कितने के कौन कौन से लेसन हैं, किस प्रकार हैं। तो फर्स्ट टर्म में आप लोगों के तीन लेसन आएंगे, उसके बाद तीन लेसन इसमें आएंगे, उसके बाद टू लेसन बचते हैं वो आपके थर्ड टर्म में आएंगे। तो इसलिए तो आप देख लिया कि किस किस तरह से हमने इस कंटेंट को आप लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में इसको डिवाइडेशन किया है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से इसको देख लेंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से आप लोग किस तरह से आपको करना है, कि इसका राइटर का नाम भी आप लोगों को याद करना है, जो और जो ये आप लोगों का लेसन है आपका लेसन का नाम भी याद करना है। तो ये बहुत सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो ये सबसे पहले प्राथमिकता होती है लेसन का नाम और राइटर का नाम जानना। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।